शहद लेकर आने वाला केला मर्द है हमारा कदम्बा। रंदारे रंदारे ए रंदारे रंदारे ए रंदारे 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 नारे ए रंदारे 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 अरे रंदारे 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 रंदारे। देखा ना कड़म्बा, कितनी बेरहमी से मारकर सिर्फ नाखून और खाल के लिए इस शेर को कैसे लटका कर रखा है। इसे अभी थोड़ी देर पहले ही मारा गया है। हमारे दादा परदादाओं ने जो जानवर देखे उनमें से आधे हमारे पिताओं ने नहीं देखे। हमारे पिताओं ने जो जानवर देखे वो हमने नहीं देखे। आज जो जानवर हम देख रहे हैं कल को हमारी आने वाली पीढ़ी शायद ही उन्हें देख पाएगी। सिर्फ लालच है, व्यापार के लिए पेड़ काटकर लकड़ी ले जाते हैं, हाथी को मारकर उसके दांत ले जाते हैं, हर कोई शहर से आकर जंगल से पैसा बना रहा है। सारा जंगल बेच खाएंगे तो भी इन्हें कम पड़ेगा। जिसने ये किया है वो बस हाथ लग जाए, उसकी भी यही हालत करूंगा। क्यों भाई, पिछली बार जंगल में तो पूरे 25 शहरों की गिनती हुई थी, उसमें से सिर्फ एक ही तुम्हारी आंखों को दिखा। क्या करें सर, गांव वालों को अब हम पर पूरी तरह से शक हो चुका है, कोई ना कोई वहां आ ही जाता है, अब उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो शेर के साथ उसे भी ठोक डालो। तुम जंगल में चाहे शेर मारो या इंसान, पूछताछ करने मैं ही आऊंगा। अगली बार अगर तुम दोनों गाँव वालों से डरे तो मैं तुम्हारा ही शिकार कर दूंगा। ऐसे निचोड़ते निचोड़ते तो रात हो जाएगी भाई। शहद मिले या ना मिले देखकर ही मेरा तो पेट भर गया। अरे यार थोड़ा जल्दी हाथ चलाना, घर पर बहुत सारा काम है। ये क्या है मुकेश भाई, जब देखो घर में काम पड़ा है बोलते हो, ऐसा कौन सा काम है? तू क्या करेगा जानकर? बा, 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 बा। अरे वाह, आ जाओ मेरे शेरो। अरे बाकी के दो कह रहे बाबा, माँ को सुबह से उल्टी हो रही है इसलिए आपको घर पे बुलाया। सुन लिया ना मेरे शेर ने क्या कहा, सुन लिया? अब भी बताना पड़ेगा घर में क्या काम है, है? बाबा बोल बेटा, इस बार मुझे एक नन्ही परी चाहिए, बोल देता हूँ। मिलेगी ना इस बार ही, क्या तुझे अगली बार भी नन्ही परी ही मिलेगी। आजा। भाई जी, वैद्य जी, पूरे गांव भर में अपनी जाति के जितने भी गुण हैं बस वो सब तुम्हारे लड़के में ही भरे हुए हैं। ऊपर पहाड़ों से अगर शहद लाना हो या अपनी मर्दानगी से मोहित करना हो तो तुम्हारा बेटा शेर है। मैं कई बार जंगल शहद निकालने गया हूँ लेकिन आज तक तुम्हारे पिताजी के बाद कोई भी पहाड़ में उतर कर शहद नहीं निकाल पाया। उनके बाद तुम्हारा बेटा ही ये काम कर पाया है, कुल देवी की कसम खाकर बोलता हूँ। एक पल को तो लगा जैसे सामने तुम्हारे पिताजी को देख रहा हूँ। बोलता है उसे उसमें उसका बाप दिखता है, पूरी टोली में बस वही एक मर्द है। क्यों, हमने कभी शहद नहीं निकाला क्या? फिर से निकाल के दिखा दूं सबको? कौन सा तीर मार लिया उसने, मुट्ठी भर शहद निकाल लिया तो इतनी बड़ाई कर रहे हैं। अगर थोड़ा ज्यादा ले आता तो शहद के साथ उसे भी चाट गए होते। क्यों भाई, अपने घर में परेशानियां कम है क्या? उसकी बातें करो ना, फालतू की बात मत करो। ए, सबसे बड़ी परेशानी तो तुम ही हो। घर की बेटी जवान हुए 4 साल हो गए हैं, शादी करा देते तो अब तक उसके 10 बच्चे होते। तुम दोनों को उसकी कोई फिक्र है कि नहीं? लड़की के कोई गुण नहीं है उसमें, दिन रात बच्चों के साथ जंगल में भागती रहती है। अरे पकड़ से जल्दी, ए रुक रुक,
को परेशान करती है दीदी, छोड़ना मत उसको। मोटी इतना बड़ा शरीर लेकर भागती कैसे है? कदमा जब शहद बांटता है तो वहाँ मत जाया कर, फिर भी तू वहाँ गई। गई तो गई, उस पर लाइन भी मारती है। ए छोटू चलना, वो हथियार दे दो मुझे। आगे से कभी कदमा के आसपास भी दिखी ना, इसी से मौत डालूंगी तुझे। चल भाग। देखना तेरे भैया को जरूर बताऊंगी। तुझे क्या हुआ? लगता है ये उन पत्तों का असर है। छी। आज विद्या को रति ने दौड़ा दौड़ा कर रुला डाला और बोला कभी तेरे आगे पीछे ना मन रहा है, तू शादी क्यों नहीं कर लेता यार उससे? उसका भाई मुझे ऐसे देखता है जैसे कच्चा चबा जाएगा। शादी तो दूर की बात है। क्या मुकेश भाई घबरा गए क्या? सूखा नारियल ही है, बम नहीं फेंका जो इतना घबरा गए हो? जरा संभल कर रहना आज। लगता है आज ये लड़ने की सोच करी है। किसको बोल रहा है तू? किसको बोलूं? जिसको बोलना उसको बोलना। मुझे डर लगता है क्या? तो एक बार बोल दो। एक बाप का बेटा है तो आकर खेल। भैया ये है मिस्टर चंद्रमौली, फेमस जियोलॉजिस्ट।
मिस्टर विजयन, अवर कंपनी एसोसिएट। हेलो, वेरी नाइस, लेट्स कैरी ऑन। थैंक यू सर। मिर्कतोड़ी की साउथ की तरफ के पहाड़ी इलाके के एरिया का नाम कड़म वन है। इस एरिया में एक साल तक रिसर्च करने पर हमारी टीम को ये पता चला है कि ईस्ट के पुलिवराय पहाड़ी से वेस्ट के कड़ू पहाड़ी तक, नॉर्थ के नेट्टी गुरुचन पहाड़ी से लेकर साउथ के आने कोंडू तक, इवन सराउंडिंग एरियाज में हमारी सीमेंट के लिए जरूरी लाइमस्टोन मिलेगा। यहाँ जो लाइमस्टोन अवेलेबल है वो बेस्ट क्वालिटी का है। यहाँ से लाइमस्टोन निकालना शुरू करेंगे तो लगभग 50 से 60 सालों तक लगातार निकालते रहेंगे। ईयरली कम से कम 10,000 करोड़ तक आराम से जनरेट कर सकते हैं। दैट्स अवर पॉइंट। सर, गांव वालों के बारे में भैया को बताया? भैया, उस जगह पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? उस जगह पर वो क्या नाम बताया? कड़मबन सर। वहाँ कड़मबन में कई सालों से एक टोली रह रही है। लगभग 50 परिवार रहते होंगे वहाँ पर, और जब तक वो लोग वहाँ हैं हम लोग वहाँ से एक छोटा सा पत्थर भी नहीं ला सकते। सिर्फ इतना ही नहीं सर, सरकार भी उन्हें कई बार अप्रोच कर चुकी है, उन्हें बहुत सारे ऑफर्स देने की कोशिश भी कर चुकी है, लेकिन उन्होंने कुछ भी लेने से साफ मना कर दिया। हम क्या करें भैया? प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दो। इतनी भयानक आवाजें क्यों निकाल दिया? क्या झिंगुर, प्यार से बुला रही हूँ तो नाराज हो रहा है। मैं झिंगुर हूँ तो तू क्या मधुमक्खी है? नहीं, मैं तितली हूँ। सुन, कितनी बार समझाया मेरा पीछा मत किया कर, तेरी समझ में नहीं आता? तुम हाँ तो करो, पीछा छोड़ दूंगी, तुमसे शादी करके तुम्हारे साथ चलूंगी। सुनना, बताना वो सांप क्या कर रहे हैं? सांप दिख रहे हैं तुझे, क्या कर रहे हैं वो नहीं दिख रहा? ओए, बताने को कहा ना, बताना क्या कर रहे हैं? जो तू सोच रही है वही कर रहे हैं। ए, सुनना। अच्छा हुआ उस दिन तुम मेरे हाथ नहीं लगे। क्यों रे, तुम दोनों ने मिलके उस शेर को मारा था ना उस दिन? वो रेंजर तुम्हें हर बार छोड़ कैसे देता रे? वह घूर के रहा है तू। देखो बच्चों, ये मुझे कैसे घूर के देख रहा है, तो क्या बोलना चाहिए?
तेरी तो हाथी के दांतों के साथ इन्हें जीप में डाल दो। ये क्या है साहब, आप यहाँ आए, इन्हें मारा और अब इन्हें उठाकर अपने साथ ले जा रहे हैं? जंगल में पेड़ कटा पड़ा है, हाथी मरा पड़ा है, आपको कम से कम हमसे पूछताछ तो करनी चाहिए। मैंने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है, जेल में डालिएगा इन्हें। तो क्या करूं, तुझे इसके लिए मेडल दिलवा दूं? चला हट। नहीं हटा तो? कड़म्बा हटो तुम। साहब छोटा बच्चा, इसकी बातों का बुरा मत मानिए, अनजाने में बोल गया, पर आज सच आपके सामने है, इन्हें रंगे हाथों पकड़ा है हमने। देखो बेटा, वो अधिकारी लोग हैं, इनसे इस तरह से बात नहीं करते, इनसे दुश्मनी ठीक नहीं है बेटा। गुड इवनिंग सर, ये हैं कड़म्बा वन के DFO मिस्टर दिनेश राज। हेलो। और ये है वहां के रेंजर करण। हेलो सर। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। बात कीजिए। हेलो। हेलो। सुनिए जी, हमारे घर में कोई दो लोग आए थे, उन्होंने मेरे हाथों में चाबी थमा दी, बाहर आकर देखा तो एक गाड़ी खड़ी थी जी। ये एक छोटा सा गिफ्ट है, मेरे साथ कॉपरेट करते रहिए, ऐसे छोटे मोटे गिफ्ट मिलते ही रहेंगे। हमें करना क्या है सर? वहाँ कड़म्बा वन में जो लोग हैं, उन सभी लोगों को वहाँ से निकाल दो। इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, उन्हें मार कर भगा देंगे। उन लोगों को एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए, बिना किसी परेशानी के, बिना कुछ शोर मचाए वो पहाड़ी को छोड़कर नीचे आ जाने चाहिए। इतना सोचने की जरूरत नहीं है सर, उन लोगों का गाँव जो है वो कई पहाड़ियों के पीछे है, उनके हाथ पाँव तोड़ कर फेंक देंगे और कोई पूछेगा भी नहीं। जल्दबाजी मत कीजिए रेंजर साहब, हम लोग वहाँ पर खुदाई करने वाले हैं और वो भी बिना लाइसेंस के इलीगली। जैसा आप करने को कह रहे हैं, अगर हमने वैसा किया तो परिणाम जानते क्या हो सकता है? तो फिर हम क्या करें सर? बताता हूं, दीदी मुझे भी दो ना। देखो दीदी, हम लोग जिस बात की पंचायत करेंगे, तुम बस हाँ में हाँ मिलाती जाना और देखना कड़म्बा कैसे मानता है, बाकी हम देख लेंगे। आओ मेरे साथ। सुन, उसने हम पर हाथ उठाया तो क्या करेंगे? अरे अपनी जान पहचान का है। ओ भाई कड़म्बा, यहाँ एक जरूरी बात करनी है। ये ले। मैं देख लूंगा। देखो कड़म्बा, ये लड़की तुमसे शादी करने के लिए तैयार है तो तुम भी मान जाओ ना, तुम भी ना, क्या नाटक कर रहे हो? इससे भी पूछो ये इससे शादी करेगा या नहीं, पंचायत का ये फैसला है, तुम रति को मंगलसूत्र पहनाओ। तेरी तो, भागो। आज से हमें इससे बात करने के लिए कभी मत बुलाना, इस बार इसे छोड़ देते हैं, अगली बारी हमसे मैं खाएगा। क्यों रे? छोटे छोटे बच्चों से ऐसा काम करवा रही है, शर्म नहीं आती तुझे? ओह, अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे किस बात पर शर्म आनी चाहिए और किस बात पर नहीं? अभी बोल देती हूँ, कान खोल कर सुन ले, तू एक दिन खुद मेरे सामने आकर मुझसे पूछेगा कि मुझसे शादी करोगी, याद रखना मेरी बात। जल्दी चल, कितने सारे काम पड़े हैं। हाँ हाँ चल रही है। अरे वैद्य जी। हैं? अरे बाप रे, इसे अंदर रख दीजिए वैद्य जी। क्यों? बहुत जोरदार औषधि है ये, उस दिन अनजाने में अपने घर ले गया था, एक हफ्ते तक घर से बाहर ही नहीं निकल पाए, अब तो बीवी लात मारती है। अरे तो मुझे बताया भी ना तुम इसे क्यों ले गए। सुनिए वैद्य जी, आप तो बहुत जाने माने वैद्य हैं ना, हर चीज का इलाज है आपके पास। हाँ है, क्यों पूछ रही हो? कड़म्बा से शर्त लगा कर आई हूँ, अब मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए जिसे खाकर वो तुरंत मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। तो देता हूँ ना, ये लो, इसे अच्छे से पीस कर उसके खाने में मिलाकर उसे दे देना, सारी जिंदगी तुम्हारे चरणों में पड़ा रहेगा वो। सच्ची? हाँ। आप मेरी बात समझ गए। अरे वैद्य जी, ये औषधि उसे क्यों दे दी?
अब वो मांग रही थी औषधि तो दे दी उसे, खिलाने तो दे उसे, शादी नहीं सीधे अब बच्चा ही होगा। बेटा कड़म्बा। हाँ बाबा। सुबह से कुछ खाया नहीं तुमने, ये खीर खा लो फिर काम करना। ठीक है रख दीजिए। क्या भाई कड़म्बा, अकेले अकेले काम कर रहा है? हाँ तो। घर पे एक ही काम करते करते ऊब गया था यार, सोचा तेरे साथ मिल के कुछ काम कर लूँ, तो बताना क्या करूँ। अरे खीर। सारी खीर पी गया। ठीक है मेरी मदद कर। अरे हट ना, घर पे बहुत सारा काम पड़ा है, घर वाली इंतजार कर रही है। अरे सुन, चुप कर ना। अरे घर जा रहा हूँ मैं, बहुत काम करना है मुझे, चुप कर चुप। अरे जल्दी चल भाई। तेरे पति से तुझे बचाना तो मेरा जैसे काम ही हो गया है। अरे क्या हुआ, इतनी जल्दबाजी में कहाँ से आ रहे हो? क्या कर रहे हो? बुढ़िया हट जा सामने से। पहले उसे नीचे उतार। हटना मैं कह रहा हूँ। मेरी बात मान, अभी के अभी उसे नीचे उतार। वैसे नहीं मानेगी। समझता नहीं, अरे कितने बच्चे पैदा करेगा, वैसे भी पूरी फौज पाल रखी है, उतार उसे। तू हटेगी नहीं सामने से? चल अंदर, तू भी चल। अरे तू यहाँ भी आ गई, कब पीछा छोड़ेगी मेरा? आखिर तुम्हारा जवाब क्या है, बोलो मुझसे शादी करोगी या नहीं? अगर मुझसे शादी करने से इनकार किया तो झरने से कूदकर अपनी जान दे दूंगी। तो कूद जा।
मुझे साथ में लेकर क्यों कूदी? तो फिर तुमने क्या सोचा था मैं अकेली कूद जाऊंगी? अगर जीना है तो हम साथ में जिएंगे और मरना होगा तो भी साथ में मरेंगे। पागल लड़की। चल हट झिंगुर। कहाँ चला गया यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। कदम्बा, 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 कहाँ चला गया था मुझे छोड़कर? तू कहाँ गया था बता? इससे अच्छा तू अपनी घरवाली के साथ घर पर ही रहता। घर पे कितना सारा काम था वही निपटा लेता। पता है तेरे घर का काम? लगता है सीआर को देखकर तेरा चेहरा पीला पड़ गया। अरे सीआर से मुझे डर नहीं लगता, उसे तो मैं कच्चा चबा सकता हूँ। अच्छा, तुम लोगों ने आवाज देके सारा काम बिगाड़ दिया। क्या यार, भरोसा किया कर मुझ पर। ले एक और सीआर आ गया। हाथ में क्या है? मैंने नीचे गिराने को बोला तुझे तो क्या? जंगल से बारिश में अपनी जान दांव पर लगाकर हम शहद लेकर आते हैं और तेरे जैसे ऑफिसर मेहनत किए बिना उसे छीन लेते हैं। ले अब चाट इसे बैठकर। क्यों रे, बहुत चढ़ी है तुझे? पहाड़ी के लोगों को आप अक्सर परेशान करते हैं, उन लोगों के साथ मारपीट करते हैं। यहाँ के लोगों ने आपके डिपार्टमेंट के खिलाफ कंप्लेन लिखाई है, मुख्य रूप से आपके खिलाफ। ये सब क्या है सर? What's happening? हाँ? सर, लगता है मुझसे नाराज होकर किसी ने कंप्लेंट लिखाई है और आप इसे लेकर यहाँ आ गए। क्यों सर, आप ट्रस्ट वालों को और कोई काम धंधा नहीं है जो समाज सेवा के नाम पर एक ईमानदार ऑफिसर को परेशान कर रहे हैं? आपने जंगल के एक आदमी पर हाथ भी उठाया है, इस बात का कोई एविडेंस है? साहब, मेरे बेटे ने अनजाने में गलती कर दी, माफ कर दीजिए साहब, उसे छोड़ दीजिए, उसे कुछ मत कीजिए। ओए बेवकूफ, यहाँ क्यों आया है? बाहर निकल साहब, इसे बाहर निकालो। साहब, साहब, आप कहिए ना जरा हमसे। आप छोड़िए ना, हाथ हटाइए। बताइए कहाँ है इनका बेटा? क्या किया उसके साथ? उसको अभी यहाँ पर बुलाइए, वरना हमें ह्यूमन राइट्स कमीशन तक जाना पड़ेगा। सर, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, छोड़ दीजिए। जाओ उसे लेकर आओ। बेटा, कितना मारा है मेरे बेटे को। ये क्या है सर, जानवर की तरह पीटा है इस बेचारे को। आप लोगों में इंसानियत है कि नहीं? हेलो, इस पर हाथ उठाने का आपको किसने अधिकार दिया? खाकी वर्दी पहनने का ये मतलब तो नहीं है। ठीक है, इसने गलती की, पर इतनी बुरी तरह मारेंगे? आप पूछ रहे थे ना क्या एविडेंस है, ये देखिए। आप लोग और क्या चाहते हैं मुझसे?
ये रेंजर मुझे ठीक नहीं लगता, नजर रखनी होगी इस पर। ओके सर। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आप जैसे गांव के भोले लोगों की मदद करना ही हमारा काम है। आगे से इस रेंजर की वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो हमें तुरंत बताइए। आपको कोई भी जरूरत पड़े आप हमें बुला सकते हैं, हम लोग आपके साथ हैं। ठीक है, ये लीजिए, ये हमारा पता है। सुना तूने, कदंबा को उन्होंने बहुत मारा है, बांध कर मारा है उसे, डरपोक कहीं के। अगर हाथ खोल देते तब पता चलता मेरा कदंबा कौन है। वो ठीक है, लेकिन एक बात बता मुझे, तेरे भैया और कदंबा की तो बनती नहीं है, तो कदंबा से तेरा भैया तेरी शादी कैसे करवाएगा बता। कदंबा से शादी करने के लिए कदंबा की यहाँ चाहिए, मेरे भैया माने या ना माने। अरे बाप रे, इसे तो चोट लगी है। हाँ चलो चलो, फिर गांव वालों को बुलाते हैं। चलो चलो चलो। Was a septic due to bottle piece which bit inside the body. Now he's all right. अब कोई खतरा नहीं है। आधे घंटे में होश आ जाएगा तो खुद उठकर चला जाएगा। Thank you doctor. ठीक समय पर आपने खबर कर दी। Bottle घुसने से septic हो गया था और जहर फैल रहा था। अगर ऐसे ही छोड़ देते तो दो दिनों में मर जाता। साहब, अफसर लोग नीचे से आकर इन बेजुबान जानवरों का शिकार करते हैं। पहली बार नीचे से आकर किसी अफसर ने इस बेजुबान जानवर को जीवन दिया है। जान बचाने वाला भगवान समान होता है। आप भगवान हैं साहब। नहीं नहीं, आप ऐसा मत बोलिए भैया। ऑफिसर बोलो। आपने जैसा कहा था ट्रस्ट के लोगों को अंदर सेट कर दिया। गांव के लोगों को उन पर पूरा भरोसा हो चुका है। गुड, अब उन लोगों को पहाड़ी से नीचे उतारने का काम शुरू करो। गॉट इट। अमेज़न जंगल से मंगाए गए ये घरेलू मधुमक्खी के छत्ते एक छोटे से बक्से में डालकर इन्हें घर के सामने रखेंगे तो इसका बहुत उत्कृष्ट परिणाम आपको मिलेगा। एक छत्ते से आपको आमतौर पर 5 से 10 लीटर शहद मिल सकता है। बकवास है ये सब। सालों से हम जंगल से शहद लेकर आ रहे हैं, अब वो छोड़कर ये फालतू की चीज इस्तेमाल करें। I don't think he understands what we are trying to say. हम आपको ये बता रहे हैं कि बताने की जरूरत नहीं। सही बोल रहे हैं, गाँव के लिए कुछ अच्छा करने की जरूरत नहीं है। याद है जयंती दीदी के पति उस दिन शहद निकालने पेड़ पर चढ़े और नीचे गिरकर मर गए। क्या कर लिया हम लोगों ने। एकदम सही बोला बेटा, बता रहे हैं सुरक्षित है तो देखने में हर्ज क्या है। She's correct. क्यों भाई, सभी ने बोल दिया? ऐसे बोल रहे हो जैसे ये लोग कोई नए हैं। सालों से ये लोग ट्रस्ट चलाकर गांव वालों की मदद कर रहे हैं। ये जो भी करेंगे हमारे लिए अच्छा ही होगा। साहब आप जारी रखिए, हम वही करेंगे जो आप कहेंगे। क्या बात कही आपने, ही इज अ बॉन्ड लीडर। बात है, बहुत बढ़िया जमा है यार। सच कहा यार, जैसा बोल रहे थे शायद वैसा ही बढ़िया जमा है। बढ़िया जमा है क्यों रे, हम जंगल से सिर्फ शहद निकालने जाते हैं,
खाना और बाकी सब चीजें भी तो लेकर आते हैं, उन्होंने कहा और तुम सबने मान लिया। बेवकूफ कहीं के, देख कल कितना बोल रहा था, आज उसी की मां लाइन में सबसे आगे है। ये यहां से हिलना मत कड़म्बा, ले ले जल्दी जा जा, दे ना यार, ले ले भाग भाग भाग, अरे दे ना काका, अरे भाग। देखा ना अमेज़न के शहद की ताकत, अमेजिंग, बहुत स्वादिष्ट है। हाँ जी साहब। साहब मुझे माफ कर दीजिए, उस दिन आपने जो बोला मैं समझ नहीं पाया था। साहब हमारी टोली ने आज तक कभी इतने सारे पैसे नहीं देखे। हाँ ये तो बस शुरुआत है, हमारा ट्रस्ट आप लोगों के लिए अभी बहुत कुछ करेगा। आइए आइए अंदर आइए। वाह भैया बढ़िया जगह है, आप तो शहर जैसे लग रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, क्या बात है। मैं दौड़ना चाहूं, चलना पीछे की तरफ चलते हैं, झाड़ू मारूंगी मैं तेरे पीछे। माँ घर जाने की कोई जरूरत नहीं है, यही रहते हैं ना माँ, यहाँ बहुत सारे खिलौने हैं। ठीक है बेटा। ए अकेले कहाँ जा रहा है? हाँ हाँ बताता हूँ। ए क्या ये बहुत नशे वाली है, बड़ा मजा आता है। हाँ? काम वाली जगह पर सुरेश भाई ने दी थी। हाँ? मुझे एक हफ्ते से पी रहा हूँ, बहुत अच्छी है, पी ले पी ले। हाँ अरे पी ले पीले पीले, और देना। कल रात को मेरी लुंगी छीन के कौन भागा था? जो भी है मैं उसे जरूर ढूंढ के निकालूंगा, और इतना याद रखो अगर मुझे वो मिल गया ना, मैं उसकी लुंगी फाड़ कर उससे अपना रुमाल बना लूंगा और उसे अपने नाक पोछा करूंगा। ए तितली सुन, क्या है रे चिंगुर? क्या बात है भैया, पेट भर कर खाना, खाइए खाइए आराम से, और लीजिए ना, खाओ खाओ। Goats have come for sacrifice. बकरों को कभी अपनी बिरयानी खाते हुए देखा है क्या? सामने देखो सबसे बड़ा बकरा। पहाड़ी के लोगों को नीचे उतारने का काम शुरू कर दिया है भैया। शुरू करने से क्या होगा, मजा तो तब आएगा जब काम खत्म होगा। आप सभी के लिए एक खुशखबरी है। ऐसी पत्थर की दीवार, कंक्रीट की जमीन और बाथरूम की सुविधा के साथ एक एक घर आप सबको मिलेगा। अरे वाह वाह वाह, देखो तो कितना सुंदर है ना। सही बात, सिर्फ इतना ही नहीं, घर के पास स्कूल हॉस्पिटल सब मिलेगा, आप लोग बहुत खुश रहेंगे। हाँ देखो तो एक एक घर की कीमत 3 लाख रुपए है। 3 लाख रुपए हम कहाँ से ला पाएंगे? नहीं नहीं पैसे आपको नहीं देने हैं, इसका सारा खर्च हमारा ट्रस्ट उठाएगा।
और हाँ, इस घर में टीवी, मिक्सर, ग्राइंडर, बिजली, गैस का चूल्हा सब कुछ मिलेगा। साहब, ये सब हमारे लिए है। पहाड़ी पर मजबूत घर। हाँ, ऊपर नहीं, नीचे, पहाड़ी के नीचे। ये क्या कह रहे हैं? हम लोग पहाड़ी के नीचे क्यों जाएंगे? हम लोग तो पहाड़ी पर रहते हैं। नहीं, पहाड़ी के नीचे की बात करें, पर पहाड़ी क्यों छोड़ेंगे उसे? हम पहाड़ी क्यों छोड़ेंगे? हम नहीं छोड़ेंगे। आई टोल्ड यू ही इज अ बॉन्ड लीडर। क्या साहब, आप ये सब क्या कह रहे हैं? एक जिंदा पेड़ को उखाड़ कर दूसरी जगह बोने की बात कर रहे हैं? हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी साहब, आपको भगवान सोचा था। ये सब हम आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं। नीचे अच्छा घर मिलेगा, वहाँ रहकर बेहतरीन जिंदगी गुजारिए, यहाँ इस पहाड़ी पर रहकर क्या करेंगे? यहाँ आखिर कौन सी सुविधाएं हैं? अगर यहाँ सुविधाएं नहीं है तो क्या हुआ? उनके बिना भी जिंदगी बिताई जा सकती है। पर तू नहीं समझेगा, तूने आकर दो एहसान क्या कर दिए? तू जो कुछ बोलेगा मान लेंगे? मेरी बात सुनो, अगर आप लोग नीचे जाएंगे तो आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं, वो लोग आगे तरक्की करेंगे। हम लोग आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग कैसी मदद करेगा? हमें यहाँ से हटाकर हमारी जिंदगी हमसे छीनना मदद है क्या? तुम लोगों ने मुझे जेल से निकलवाया और इन सबको एक वक्त की रोटी दी, इसीलिए जिंदा छोड़ रहा हूँ। लेकिन अगर आज के बाद कभी इस पहाड़ी पर नजर आए ना, तो तुम्हें वहीं गाड़ दूंगा। एक्चुअली सर, वो लोग बहुत गुस्से में आ गए। हमने बहुत कोशिश की, बट व्हाट हैपेंड इज नथिंग हैपेंड सर। आप रुकिए, हमने उन्हें लालच दिया मगर उन पर कोई असर नहीं हुआ। हमने सोचा उन्हें आसानी से मना लेंगे, लेकिन सॉरी सर, मुझे नहीं लगता कि वो लोग उस पहाड़ी को कभी छोड़ने को तैयार होंगे। जानवरों के लिए वहां एक बाड़ बना दे तो। बहुत अच्छा आइडिया है ये। नोटिस भेजने की तैयारी करो। सर, गवर्नमेंट को पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, तुम बस काम शुरू करवाओ। क्या है रे? तुम्हें मछली पसंद है, इसलिए कडम्बा ने ये मुझे देकर भेजा है। अपना ये गुस्सा मुझ पर मत दिखा, कडम्बा पर दिखा। दीदी, समझा दो इसे मैं कौन हूँ, नहीं तो बहुत बुरा होगा इसके साथ। भैया, भैया रुक जाओ, भैया रुको, दो मेरी बात तो सुनो। भैया तू बता क्या कहा उसने? बहन के लिए मछली भेजता है तू? बहन होगी तेरी, मेरी नहीं। काट के रख दूंगा, ज्यादा बोला तो। सभी लोग हैं ना? लगता तो है सर। तो नोटिस पढ़ना शुरू करें। ओके सर। तो सुनिए, पूर्व की पुलिवराय पहाड़ी से लेकर पश्चिम कड़क पहाड़ी तक, उत्तर वेटी मुरुजान पहाड़ी से लेकर दक्षिण की पहाड़ी तक की जमीन को बाघों की शरण के लिए वहाँ पर बाड़ बनाया जा रहा है। ये क्या बात हुई? वहाँ बाघों की बाड़ के मध्य आपकी टोली आ रही है, इसलिए आपको जगह खाली करनी पड़ेगी। सुन लिया सब लोगों ने? आज के बाद अगर कोई भी शकरकंद या शहद लेने जंगल की तरफ आया तो गोली मार दूंगा। गवर्नमेंट का ऑर्डर है, तुम सब चुपचाप ये जगह खाली कर दो। नहीं करेंगे। क्या कर लोगे? यहीं पैदा हुए थे और यहीं मरेंगे। सर्दी गर्मी बरसात, हमारे अच्छे और बुरे दिनों में हमें शरण दी है इसी धरती माँ ने। हमारा यहाँ रहना माँ की कोख में रहने जैसा। तुम हमें माँ से अलग नहीं कर सकते।
ये जंगल हमारा है, पहाड़ हमारे हैं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मेरे दादा परदादा यहीं रहते थे, मेरे पिता आज भी यहीं खड़े हैं, मेरी आने वाली पीढ़ी भी यहीं पैदा होगी। तुमसे जो कुछ भी बन पड़े वो कर लो। शराफत से उन लोगों को उस जगह से भगाने का ये हमारा आखिरी अटेम्प्ट था सर, जो मुझे लगता है फेल हो गया। नोटिस के बाद भी वो वहां से नहीं हिले, इसका मतलब वो हमारी बात नहीं सुनेंगे। मुश्किल से 200 लोग होंगे सर, हाथ पैर तोड़कर सबको भगा देते हैं। मैंने तो पहले ही दिन कहा था सर। क्या भैया, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? उन्हें वहां से कैसे भगाएं? हमारे पास जितने भी लोग मौजूद हैं उन सबको इकट्ठा करो, यूनिफॉर्म के साथ जितने भी हथियार हो सकते हैं उनके हाथों में दे दो। माता देवी, इस मिट्टी के लोग हैं हम, हम पर जो भी मुश्किलें आए उनसे तुम्हें ही बचाना होगा माता। Thank you.
वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज बी सीटेड। आज हम यहां जो ये बड़ा सा प्रोजेक्ट शुरू कर पाए हैं उसकी क्रेडिट आप लोगों को जाती है। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन एंड सो आई शुड ऑल्सो बी थैंकफुल एंड थॉटफुल अबाउट यू ऑल। और जैसे जैसे ये कंपनी डेवलप होती जाएगी हम सब मिलकर कमाएंगे। कम ऑन लेट्स पार्टी गाइस। Thank you.
बादल हैं छाए पलकों के साए साए कैसा ये लम्हा रे जाने कहाँ छुपा तू सुना सुना है जग दुआ मेरी तू सुन रे चाहे जहाँ है कहीं तू कर दे करम बंधु कहाँ है तू ओ दाता मेरा दिल है यहाँ पे रोता ना मंजिल ना ही रास्ता कोई दिशा तो दे दो हम बेसहारों का तो है एक सहारा तू ही मेरे बिना ना कोई है मेरे सफर का साथ ओ रब्बा रे जिनको फिर हम पाते खो देते हम जिनको क्यों यादें उन्हीं की आती गम के बादल है छाए पलकों के साए साए कैसा ये लम्हा रे गम के बादल है छाए पलकों के साए साए दुआ मेरी तू मुझे माफ कर दो हमने तुम्हारा कितना नुकसान किया लेकिन तुमने फिर भी मेरी जान बचाई और एक मैं हूं जो सब कुछ जानते हुए भी तुमसे कुछ नहीं कह पाया तुम्हारा जंगल तुमसे छिन गया उसकी वजह सिर्फ वो रेंजर नहीं सीमेंट फैक्ट्री के मालिक लोग वो जो महेंद्र ब्रदर्स हैं वो दोनों असली मुजरिम हैं उन लोगों का यहाँ आना और तुम लोगों को यहाँ से भगाकर इस जंगल और पहाड़ों को हड़प लेना असली वजह है उन लोगों के साथ एक पूरा ग्रुप काम कर रहा है ट्रस्ट के लोगों के द्वारा सहायता का दिखावा करना शेरों के लिए बाड़ बनाना
ये सब तुम लोगों को बाहर भगाने के लिए उनका एक प्लान था। अधिकारियों से लेकर नेताओं तक सब उनके साथ मिले हुए हैं। तुम लोग उनके सामने कुछ नहीं कर सकते। तुम चंद लोगों को भगाने के लिए उन्होंने 300 लोगों को हथियारों के साथ भेजा था और अब तुम्हारे सिवाय यहाँ और कोई नहीं बचा। नहीं बेटा, ये वही लोग हो सकते हैं। भैया, मेरा पति नहीं आया। कदंबा, मेरा बेटा। और कोई भी नहीं आया। का क्या बिगाड़ा था जो उस अफसर ने हमारी जिंदगी एक ही दिन में ऐसे बर्बाद कर दी। अपने ही जंगल में हमें चोरों की तरह छुप कर रहना पड़ रहा है। इस सब की वजह सिर्फ वो फॉरेस्ट ऑफिसर नहीं, है।
इसके पीछे एक पूरा ग्रुप काम कर रहा है और ऐसे लोगों को जिंदा छोड़ना हमारे हाथ में नहीं होगा। वो लोग कौन है वो अच्छी तरह से जानते भी नहीं है, फिर हम लोग उन्हें ढूंढेंगे कैसे? उन लोगों को ढूंढने की हमें कोई जरूरत नहीं है, जितने सूखे नारियल हो सके इकट्ठा करो। क्यों, बस कुछ ही लोग तो है, बोल रहा था ना इतने दिनों से। बिजनेस है ये, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट हुए हैं, मंत्रियों से लेकर तुम्हारे जैसे ऑफिसर तक कितना खर्चा हुआ है पता है? आकर खबर दे रहा है हमें कि सारे ट्रक जब्त कर लिए हैं। सर वो लोग ट्रक ले जाकर करेंगे क्या? मुझे एक बात अभी दिमाग में आई, वो ट्रक को गिरवी भी नहीं रख सकते क्योंकि ओरिजिनल आरसी बुक तो हमारे पास है। अब इन गधों को मारने से क्या हासिल होगा? ट्रक अगवा हो गए तो सब खत्म हो गया क्या? कुल मिलाकर कितने लोग, 30 या 40 बचे होंगे? इससे ज्यादा तो हमारे घर में नौकर चाकर हैं। तुम जाओ और वहां की प्रॉब्लम को सॉल्व करो, बिजनेस में छोटे मोटे मसले होते रहते हैं। बी कूल। अरे चिंता क्यों कर रहा है, तेरे लिए देख खेलने के लिए क्या रखा मैंने। ए चल ले खा ले, हाँ ले तू भी खा। ले तू भी खा ना। परम वहाँ देख तो, हम इससे तो अच्छे ही है, सर्दी गर्मी में किसी भी तरह सो जाते हैं। हम बीबी बच्चे वाली थोड़ी है जो जब देखो घर में ही घुसे रहे, कैसे संभालता है सबको। देखो इसे, सब यहाँ ठंड से कांप रहे हैं लेकिन इसे इस वक्त भी यही सूझ रहा है। कदम्बा, हमारी परेशानियों का तो अंत हो चुका है, अब हम यहाँ क्यों रह रहे हैं? अपनी जगह पर चले जाते हैं। ये अंत नहीं है, अभी तो शुरुआत हुई है।
इसके पीछे मुझे तो किसी की साजिश लगती है। सर मुझे नहीं लगता है कि यह पेड़ खुद ब खुद यहाँ गिरा है, किसी ने काट कर हमारा रास्ता ब्लॉक किया है। चलिए सर, हमारा यहाँ रहना सेफ नहीं है। सर मैं आपके साथ हूँ, आप इनकी बातों पर मत जाइए, ये पिछली बार शायद भूल चुके हैं, इस बार इन सबकी खाल उधेड़ कर रख दूंगा। खाल उधेड़ने वाली बात तो सही है, पर इसकी या उनकी। उन्होंने तरुण सर को उठा लिया सर। जानता हूं, सोचा था वो लोग जगह छोड़कर भाग जाएंगे, लेकिन वहीं छुप कर बैठे हैं सबके साथ। सो दे आर वेटिंग फॉर अस, दिस इज अ जीपीएस वॉच। तुम जाओ, हमारे लोग तुम्हारा पीछा करते हुए आएंगे और तुम्हारे पकड़े जाने के बाद हम तुम्हें ट्रेस कर लेंगे और उनका नामो निशान मिटा देंगे। चुपचाप तुम लोग इस पहाड़ को छोड़ के भाग जाओ, वरना तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ेगा मेरा भाई। तेरा भाई तो क्या है, चाहे तेरा बाप क्यों ना आ जाए, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
जूम जूम कर। फोर्स को अंदर भेजा हुआ है सर, उनका पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश से काम नहीं चलेगा, उन्हें ढूंढ कर लाओ मेरे पास। यस सर। हेलो, सुनाई दे रहा है ना? हाँ सर, बारिश की वजह से पहाड़ी की बुरी हालत है सर, इससे आगे हम लोग नहीं जा सकते। आंखें तो देखो, बाप बच्ची स्वस्थ है ना? देखो देखो देख, आ गई तेरी परी जैसी बहन। अरे वाह मेरी परी, देखिए बेटी पैदा हुई है। अब हमारे साथ सब अच्छा ही होगा। सर, ये कौन सी जगह? सर ये रिजर्व फॉरेस्ट है, हाथियों का इलाका, 40 किलोमीटर दूर है। यस, कम से कम हमारे 10 आदमियों को इस जगह पर फौरन भेजो। पिछली बार 300 लोगों को भेजा था, फिर भी उन सबको नहीं मार पाए थे। जो कहा वो करो। हे, बेटी चाहिए बेटी चाहिए की रट लगाता रहता था, आखिर कर ही दिखाया तुमने। हमारी आधी जनसंख्या तो तुम्हारी ही वजह से है। जरा इसकी खुशी तो देखो। कड़म्बा कहाँ पर है? वो पहरे पर है। आपका ठिकाना उन लोगों को पता चल गया। आप लोग भाग जाइए यहाँ से, जल्दी कीजिए।
काम करो, बम फेंक दो इनके ऊपर। सर, पर अपने लोग भी मारे जाएंगे। मुझे अपने लोगों की बड़ी फिक्र हो रही है। क्यों? और मुझे उनके मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन गांव वालों का आज मरना मेरे लिए बहुत जरूरी है। इनमें से कोई भी बचने ना पाए, एक एक को चुन चुन के मारो। सब जगह ढूंढ कर देख लिया, लेकिन तरुण सर कहीं नहीं मिले। इसे उठा कर ले चलो। आज के बाद हम में से किसी की जान नहीं जाएगी। Listen to me, मेरा भाई कहाँ हो सकता है? यही बता सकता है। गलती की मैंने उसे भेजकर। सॉरी,
ही इज डेड। मैं जानता हूं आपका भाई कहां है। हम सब जिंदा रहेंगे तभी आप अपने भाई को बचा सकेंगे। मेरा भाई इस वक्त कहां है तुम वाकई जानते हो? जानता हूं। कितना पैसा चाहिए? साहब आपका सामना करके हमें मरना नहीं है, जिंदा रहना है। जैसा कहा था नीचे घर बनाकर दे दीजिए, जीने के लिए रोजगार दे दीजिए, बस उतना ही काफी है। इन सब की वजह कदंबा नाम का आदमी है, उसने ही आपके भाई को अगवा किया है। आइए मैं दिखाता हूं। सर भाई का पता लगने के फौरन बाद वहां कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। इन लोगों को भी उसी वक्त मौत के घाट उतार देना। जी सर। कड़म्बा जिद छोड़ दे मेरे भाई, उनका सामना करने के लिए ना तुम्हारे पास लोग हैं और ना ही कोई हथियार है। ये जंगल है और जंगल ही हमारी ताकत है। रब की मंजूरी अपने साथ है, दिल में हौसला किया है फैसला, मुकद्दर अपना अपने हाथ है। निगाहें अपनी अपने लक्ष्य पे है, जीतेंगे बाजी हम तो सच तो ये है। अपनी बाजुओं पे हमको है यकीन, कोई भी मुश्किल जिद से बड़ी है नहीं। ज्वाला फौलादी बाहू, मंजिल को पाने मैं तो चला हूँ, पहाड़ों को भी मैं तो हिला दूँ, जो चाहूँ अंबर को झुका दूँ। सामना जो दुश्मन से हो तू चटा दूँ उसको, कोई कितना भी शातिर है हम भी तो फिर माहिर है, हारेंगे न बाजी। मंजिल से दूरी है लड़ना जरूरी है, रब की मंजूरी अपने साथ है, दिल में हौसला किया है फैसला, मुकद्दर अपना अपने हाथ है। रुकिए मैं लेकर आता हूं।
तो तू ही हमारा जंगल बर्बाद करना चाहता है। तुझे यहां तक लाने के लिए ही हम दोनों ने यह खेल खेला था।
मत समझना कि तू जीत गया है। मेरे जैसे हजारों लोग आएंगे। अगर तेरे जैसे हजारों लोग आएंगे तो मेरे जैसे लाखों उनके खिलाफ खड़े होंगे। यह सिर्फ एक जंगल है, इसे बचाकर क्या झंडे गाड़ लेगा तू? अरे इंसान पैदा ही जंगल से हुआ है, एक बच्चे की तरह यह हम लोगों का ख्याल रखता है, इसे मिटाएगा? इसे मिटाने की सोचना मतलब अपनी माँ की कोख को अपने हाथों से उजाड़ने जैसा है, समझा? ऐसा करने से सिर्फ तेरी माँ नहीं मरेगी, तू भी मरेगा। अपनी लालच के लिए पेड़ काटना, लालच के लिए जानवर मारना, बस कुछ पैसों के लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया है तुम लोगों ने। आने वाली पीढ़ी के पास जीने के लिए जमीन नहीं बचेगी। अगर तुम ऐसा सोचते हो कि इस जंगल को बचाने वाले हम लोग जंगली हैं, तो हाँ हैं हम जंगली। अगर हम जिंदा रहेंगे तभी तुम्हारी पीढ़ियां जिंदा रहेंगी। जब तक मैं इस जंगल की रखवाली कर रहा हूं तब तक तुझे एक मुट्ठी मिट्टी भी ले जाने नहीं दूंगा।